राज्य के विभिन्न क्षेत्रों समेत भाजपा बुंडू नगर मंडल अध्यक्ष आलोक दास के नेतृत्व में सुभाष चौक बुंडू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। 23 अगस्त को भाजपा के युवा आक्रोश रैली के दौरान रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ प्रदेश सरकार द्वारा निहत्ते युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में आज झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री युवाओं का विरोध देखकर फरार हो गए। झारखंड की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। झारखंड की हेमंत सरकार ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी किया है। प्रदेश में बैठी सरकार झूठी सरकार है, जिसने युवाओं को ठगने का काम किया है। युवाओं के सवाल पर लाठी चार्ज करना और आंसू गैस के गोले दागना और रबर की गोली चलाना इस सरकार की नाकामी और निकम्मेपन को दर्शाती है। वहीं इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। पुतला दहन का कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे इसमें? कल जिस प्रकार से झारखंड की सरकार ने, झारखंड जब से बना है पिछले 24 वर्ष में झारखंड में कभी भी प्रशासन ने इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक युवा लोकतांत्रिक व्यवस्था से शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड की इस सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को ठगा, 4.5 साल उनसे झूठ बोल करके सत्ता को हासिल किया, प्रति साल 5 लाख नौकरियाँ देंगे ऐसा आश्वासन दे करके सत्ता में बैठे, परंतु 50,000 नौकरी भी उन्होंने झारखंड के युवाओं को नहीं दिया। और जो भी एग्ज़ाम हुए उन सभी एग्ज़ाम में गड़बड़ियां हुई, कई एग्ज़ाम कैंसिल किए गए। जेपीएससी में ये आलम रहा कि एक एक कमरे से कई कई छात्र पास हुए जो संदिग्ध थे, और हाईकोर्ट ने भी सारी नियुक्तियों पे सवाल उठाया। तो कुल मिलाकर के हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को ठगा था, उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता कल युवा आक्रोश रैली के रूप में मोराबादी मैदान रांची में एक बड़े आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा था। उसी के आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन ने कल तानाशाही रवैया अपनाया हेमंत सोरेन के निर्देश पर। और हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक थाने के बॉर्डर पर रोकने का काम किया, हम लोगों को परेशान करने का काम किया ताकि हम लोग वहाँ ना पहुँच पाए, और इसी कारण बहुत सारी संख्या जो रांची पहुँच सकती थी वो रांची के बाहर ही रह गई। फिर भी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, लड़ते झगड़ते, और वहाँ जब पहुँचे तब शांतिपूर्ण तरीके से रैली का आयोजन किया गया था। बाबूलाल जी जैसे ही बोलना शुरू किए, हम कार्यकर्ताओं के ऊपर गोलियाँ भी चलाई गई, आंसू गैस चलाए गए, और कटीले तार से पूरे रांची को घेर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि रांची रांची नहीं कश्मीर का लाल चौक बन गया है, जैसे धारा 370 से पहले कश्मीर में हुआ करता था। इस प्रकार का रवैया हमेशा आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ प्रशासन करता है, लेकिन कल जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में, जैसे बुंडू नगर मंडल और ग्रामीण मंडल का प्रखंड मुख्यालय बुंडू है, यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम किया। क्या परिचय हुआ जी? परिचय क्या हुआ? विवेक आनंद जायसवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, रांची ग्राम। आज पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार का विरोध में आप लोग, और क्या कुछ है इस पर जो पुतला दहन करना पड़ रहा है बताया जाए? सरकार ने कल लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं जो आक्रोश रैली, जन आक्रोश रैली करने के लिए मोरामादी मैदान पहुंच रहे थे, जगह जगह पर पुलिस ने उसे रोक दिया। अंततः युवाओं ने अपना हक और अधिकार मांगने के लिए मोराबादी मैदान में पहुंचे तो वहां पुलिस का डंडा और गोली दोनों का सामना करना पड़ा, जिसके विरोध में युवाओं ने आज हर मंडल में पुतला दहन कार्यक्रम चलाया। रांची एसपी का बयान भी है कि आप लोगों के द्वारा जो है हुड़दंग मचाई गई थी, पत्थर वगैरह चलाई गई थी। ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन उसी का जवाब में जो है प्रति उत्तर में जो है वो जो है पानी का बौछार वगैरह जो किया गया, किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं हुआ। कोई हुड़दंग नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश कैलाश हलवाई। क्या है आप?
हम बुंडू भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं।